हेलो, इट्स एकता मेहता फन विद फोटोशॉप से। दोस्तों, इमेज एडिटिंग में अगर आप दो इमेज आपस में मिक्स करना चाहते हैं या किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आसान तरीका है लेयर मास्क। जैसे कि इस इमेज को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर लॉक दिखाई दे तो उसे अपने माउस के लेफ्ट की से डबल क्लिक कीजिए तो ये अनलॉक हो जाएगी। और इस इमेज को मैं इस मूव टूल के जरिए, जिसकी हार्ट की है V, यहां से ड्रैग करके एक दूसरी जगह ले जाऊंगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक पानी की इमेज सेट करके रखी है, इसके ऊपर मैं ये इमेज पेस्ट करूंगी ऐसे। ओके, अब इस इमेज के ऊपर मैंने यहां से एड लेयर मास्क, एक मास्क ऐड कर लिया। अब यहां पर एक तो मैं जेड कर लूंगी, यहाँ पे है जूम टूल जिसकी हार्ट की है Z, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर है ब्रश टूल जिसकी हार्ट की है B, तो यहाँ पर मैं मेरा फोरग्राउंड कलर सेट कर लूंगी ब्लैक। आप ऐसे भी कर सकते हो या X दबा के भी कर सकते हो। इस ब्रश की ओपेसिटी मैं 0 से 100 के बीच में सेट कर सकती हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, या कीबोर्ड शॉर्टकट है आपके 1 to 0 नंबर्स, यानी 1 दबाएंगे तो 10 ओपेसिटी, 2 दबाएंगे तो 20, लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं ओपेसिटी इसकी ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास सेट कर लेती हूँ। ओके, इस तरह का एक छोटा ब्रश साइज मैंने दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस लेयर मास्क के ऊपर इरेज करना शुरू करूंगी, तो ये जो नीचे की इमेज है ये मुझे क्लियरली दिखाई देगी, देखिए ऐसे। यहाँ पे आप Ctrl+0 करके नॉर्मल स्क्रीन मोड पे आ सकते हैं। इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड में पहले लो ओपेसिटी के साथ इसके बॉडी के आसपास का एरिया मैंने क्लीन कर लिया। अब इसकी ओपेसिटी हम 100 कर लेंगे और थोड़ा सा हमारा ब्रश साइज भी बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसको हम पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे, इसी तरह पूरा इमेज आपको क्लीन करना है। इस तरह फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैंने ये सब कर लिया। अब सपोज ये इमेज तो मैंने कर ली, इन केस गलती से कहीं पे भी मुझसे इस तरह से जो पोर्शन मुझे चाहिए वो भी अगर इरेज हो जाता है, तो जस्ट आपको आपका फोरग्राउंड कलर चेंज करना है। इसको मैंने वाइट कर लिया और जस्ट थोड़ा सा ब्रश साइज मैंने छोटा कर लिया। और इस तरह से अगर आप इसे ब्रश वापस करेंगे तो आपका ओरिजिनल पिक आ जाएगा ऐसे, ताकि जिस भी एरिया पे आपका ब्रश गलती से चल गया हो तो इसे ये आप नॉर्मल कर सकते हैं। पे आप ध्यान से देखेंगे तो जितना भी एरिया हमने इरेज किया है वहां पर नीचे की लेयर हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई दी है। तो ये होता है इमेज मिक्सिंग इन लेयर मास्क थ्रू ब्रश टेक्निक। थैंक यू।